Now, as we know that when an object, when a satellite, we want to put it into the orbit, and if that satellite wants to move in a circle, if we want that the satellite should move in a circular orbit, then we should give the velocity which is given to the satellite will be your critical velocity. Means आप जो horizontal velocity उस satellite को या उस launcher को provide करने वाले हो, that will be for sure that will be your critical velocity. अगर आप VH VC के बराबर देते हो, तो आपका जो satellite है, that satellite continues to move in a circular orbit. Of course, अलग conditions के लिए आपको पता है कि अगर आप कम देते हो तो क्या होगा, ज्यादा देते हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा देते हो तो क्या होगा. So those conditions we have already discussed in the last lecture. Okay. Now when I'm giving an horizontal velocity, last time हमने देखा था कि जब मैं एक पॉइंट से ले जाकर जब मैं उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रही थी, ये सैटेलाइट ऐसा चला जाता. बट व्हाई दिस सैटेलाइट इज बीइंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में रहने का रीजन क्या है इसका, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर अट्रैक्ट करता है, इस तरीके से वो एक सर्कल परफॉर्म करता है. मतलब सर्कल, और आपको पता है फ्रॉम द बेसिक्स की सर्कुलर मोशन होने के लिए मेन कौन से फोर्स का होना जरूरी है, कौन सा फोर्स वहां पर एग्जिस्ट करता है, तो वी से दैट सेंट्रीपेटल फोर्स. मतलब यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स जो प्रोवाइड करने वाला फोर्स है, जो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. सी, कीप इट इन माइंड, जब आप हाथ में स्ट्रिंग लेकर स्ट्रिंग को गोल गोल घुमाते हो, वहां पर जो वहां पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो आपका हाथ दे रहा होता है. यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है वो कौन दे रहा है? Who is responsible for that? Gravity. Yes. So from that I am writing the expression as I am taking the speed. Of course, मुझे starting से ही critical देना पड़ेगा अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो satellite है वो circular orbit में घूमे. So mvc square upon r is provided by the gravitational force gmm upon r square. Are you clear till this point? Yes. Now, this R got cancelled. This M got cancelled. You got VC square is equals to GM upon R. And of course, I am saying that यहाँ पे मैंने R is your R plus H. R को मैंने R plus H लिया. Of course, I am talking at a particular height. है ना? समझ रहे हो? और ये capital R is the radius of the Earth. So, चाहे तो यहाँ पे लिख के ले लो. स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर प्लस एच लिया है और एच इज द हाइट. ठीक है, सो वीसी क्या हो जाएगा हमारा? वीसी इज इक्वल्स टू रूट जीएम अपॉन आर. अगर मैं आर को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच. यस, गुड. नाउ we know that कि g का फॉर्मूला क्या होता है. g is gm upon r square, है ना? अगर मैं हाइट पे बात करूँ तो r plus h whole square. so if I multiply and divide by r plus h in this equation, so this becomes g. yes. Are you okay with this equation? And can you see even as like a critical escape velocity, even critical velocity does not depends on the mass of the object. आपको एक बड़े से सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना है सर्कल में, या छोटी सी चींटी को ऑर्बिट में रखना है सर्कल में, आपको हर बार एक कॉन्स्टेंट वीसी का अमाउंट उसको देना पड़ेगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes. Just write it away as it is. Give the heading as expression for critical speed and start writing.
पूछ रहा है तो बताइए, आगे जाएंगे। डन डन मैम। ओके नाउ आर यू डन टिल द लास्ट? लास्ट तक हो गया? यस यस यस। ठीक है, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखो, वीसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। See, does not depend on mass of the object. Done, ma'am. Done. Okay. Let's move ahead with the next topic. Weightlessness. ये वर्ड कहीं सुना है? Yes. Yes. कहाँ सुना? लास्ट ईयर। वेटलेसनेस कहाँ एक्सपीरियंस करते हो? वेटलेसनेस स्पेस में करते हो। अर्थ में नहीं कर सकते? अर्थ के अंदर नहीं कर सकते वेटलेसनेस? फ्री फॉल रहेगा तो? एग्जैक्टली, फ्री फॉल रहेगा तो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेटलेसनेस इन डिटेल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपका लॉज ऑफ मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाली हूँ, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। डू यू नो व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? यस यस। क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई बताएगा? कोई एक्सप्लेन करेगा कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से होता क्या? जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट करे तब वो फोर्स एक्ट होता है। ओके, ये बात सही है। दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो ये फोर्स एक्ट होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से फ्रिक्शन। एग्जाम्पल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अलावा कोई बताओगे? नॉर्मल फोर्स। एग्जैक्टली, मैं इसी के बारे में सुनना चाहती थी, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स से आपके वेट का कोई रिलेशन है क्या? नॉर्मल फोर्स और आपके वेट में कोई रिलेशन है? जब आप एक वेइंग मशीन पर खड़े होते हो जाकर, और वेइंग मशीन आपका वेट इक्वल होते है? हाँ, नॉर्मल और वेट इक्वल होते है। क्या ये हमेशा इक्वल होते है? No. Let's take an example. Free fall में equal नहीं रहते। ये weighing machine है। जब एक person इस पर जाकर खड़ा होता है, as you say कि normal force is a contact force, okay? So आपका जो weight होता है वो नीचे की तरफ आपको खींचता है, और जो normal होता है वो ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है? So normal is a contact force, that is true, but normal हमेशा weight के बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। यहाँ पर पहली बात मैं ये समझाऊंगी कि यहाँ पर क्यों दोनों सेम हुए। नाउ एग्जैक्टली इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऊपर मेरा नॉर्मल लग रहा है और नीचे मेरा एमजी लग रहा है। वो आपको पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम वो होता है जिसके वजह से हम अलग अलग फोर्सेस, जो भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहा है उसको अलग अलग कर उनके डायरेक्शन को देकर इक्वेशन बनाते हैं। दिस इज व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है आप
फोर्सेस को पहचानते हो, उनके डायरेक्शंस देखते हो और इक्वेशंस बनाते हो। अब यहाँ पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, ओके? अगर आप एक को पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे को नेगेटिव, दैट इज व्हाट इज द फिनोमेनन। बट कब किसको पॉजिटिव और कब किसको नेगेटिव लेना है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। नाउ अब ये जो भी पर्सन खड़ा है इसके ऊपर नॉर्मल और mg के अलावा कोई फोर्स है क्या? ये पर्सन हवा में कहीं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? खड़ा है ना? नो, यस, सिर्फ खड़ा है ना, मतलब इसके ऊपर यही तो फोर्सेस फिलहाल लग रही है। सो आई राइट mg माइनस n। सी होता क्या है, देखो इस चीज को समझने के लिए और अच्छे से मैं ये ब्लॉक से समझाती हूँ। ये एक ब्लॉक है, ये साइड से 5 न्यूटन लग रहा है और ये साइड से 6 न्यूटन लग रहा है, ठीक है? अब ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसका आंसर दो जरा। 6 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, मतलब ये ब्लॉक 1 न्यूटन से मूव करेगा, मतलब बचे हुए फोर्स से मूव करेगा, है ना? है कि नहीं? यस। और ऑफ कोर्स तुमने जैसे कि बोला कि इट विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड क्योंकि 6 न्यूटन बड़ा है, है ना? सो जिस साइड में ब्लॉक मूव करता है, जिस साइड की वजह से ब्लॉक मूव करता है उसको हमको पॉजिटिव लेना है और जिस साइड में वो मूव करता है उसको हमको नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये कम पड़ रहा है इसी वजह से ये डोमिनेंट है और ये चीज इस डायरेक्शन में मूव होती जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा? Yes. और नॉर्मल और mg ये दोनों भी अपोजिट फोर्सेस हैं, एक ऊपर की तरफ लग रहा है एक नीचे की तरफ लग रहा है। Yes. दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और दोनों का दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन, वो मेरे इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रिजल्ट करेगा। पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या? No. So your mg will be equal to n. N. समझ में आया कुछ? Yes. Yes. Clear हुआ? किसी को ऐसा है जिसको ये चीज नहीं समझी हो जो भी मैंने समझाई है? अगर आपके बॉडी पे अलग अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे एक डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे, उन दोनों डायरेक्शंस के बीच में ऑफकोर्स जो डोमिनेंट होगा उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव होगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। तो जो डोमिनेंट है उसको आप पॉजिटिव ले लो और जो नहीं है उसको आप नेगेटिव ले लो। उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करते हो कि इन दोनों से, ये दोनों अपोजिट फोर्सेस से जो बचा हुआ फोर्स होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मोशन के लिए। यहाँ पर तो पर्सन सिर्फ जाकर खड़ा है, उसका तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, मतलब पर्सन का एक्सेलरेशन जीरो है। तो पर्सन का एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो mg माइनस n, यही दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल टू जीरो, सो mg इज इक्वल टू n। ये क्लियर हुआ? यस, ये सब क्लियर है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं बहुत कुछ समझाने वाली हूँ इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। नाउ जरूरी नहीं है कि mg हमेशा n के बराबर हो, क्योंकि अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करूं, एक बात याद रखना है कि नॉर्मल फोर्स एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा जिस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट हो रहा होता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है, पर जो mg होता है वो हमेशा, mg क्या है? वेट। और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपको कहाँ खींचता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, पर जो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है वो कॉन्टैक्ट के डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, इनका कांटेक्ट कहां पर हो रहा है? यहां पर ऐसा हो रहा है कांटेक्ट। यस, बट mg हमेशा कहां खींचेगा? नीचे। नीचे। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आए क्या? नो, नो। मतलब ये कंडीशन में मैं डायरेक्टली कंपोनेंट्स, यस, ये डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकती कि यहां पर mg और नॉर्मल कॉमन है, समझ सॉरी mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये चीज मैं यहां पर नहीं बोल सकती। तो समझ में आ रहा है? यस। यहां पर मैं mg इज इक्वल्स टू n ये फंडा नहीं अपना सकती, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगे हुए हैं, एक जो है वो ऐसा लग रहा है दूसरा हमेशा नीचे की तरफ लगता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो mg और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे को, एक दूसरे के बराबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है अंटिल अनलेस यू आर स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन और आप मूव नहीं कर रहे तब तक, ठीक है? सो लेट्स मूव अहेड विद सम एग्जांपल्स ऑफ लिफ्ट। जब आप लिफ्ट में चढ़ते हो, आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है लिफ्ट में चढ़ने के बाद? जस्ट चढ़ने के बाद और जब लिफ्ट रुकती है तब, किसी ने किया है? लिफ्ट में जब आप चढ़ते हो और जस्ट लिफ्ट जब स्टार्ट होती है
साथ में जब लिफ्ट जब रुकती है या जब आप लिफ्ट में चढ़कर नीचे की तरफ आते हो तुरंत इंस्टेंट मूवमेंट्स की बात कर रही हूँ। किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है कभी? चक्कर जैसा आता है? नहीं, चक्कर जैसा कुछ नहीं आता है। वेटलेस लगता है, वेटलेस लगता है, वेटलेस नहीं लग सकता वहाँ पे। मैं इसे एक फोर्स लगता है, ऊपर जाने जैसे लगता है। जब जब ऊपर जाते हैं तो वेट कम लगता है और जब लिफ्ट रुकता है तो वेट ज्यादा लगता है। नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक आगे तक जाती हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन में आंसर चाहिए था आप लोगों का कि मैम जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो जब लिफ्ट जस्ट स्टार्ट होती है तभी भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा एक फोर्स लगा है बॉडी पे। फिर अगर समझो सात माले की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर में आपने एंटर किया और आपने जस्ट लिफ्ट स्टार्ट किया, एक थोड़े इंस्टेंट के लिए आपको ऐसा लगेगा, जब लिफ्ट जस्ट शुरू होगी आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी पे कुछ तो फोर्स कुछ तो लगा। फिर उसके बाद वो अगर आपको सेवंथ फ्लोर पे जाना है तो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर तक आपको कुछ नहीं होगा, सिक्स फ्लोर पे भी आपको कुछ नहीं होगा। सेवंथ फ्लोर पे जब लिफ्ट रुकने के लिए जाएगी, जब लिफ्ट स्टॉप होगी तभी भी आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। मतलब आप दो मूवमेंट करते हो, एक जब आपकी लिफ्ट जस्ट स्टार्ट होती है, दूसरा जब आपकी लिफ्ट जब स्टॉप होती है, बीच में आपको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो। बाकी का जो सफोकेशन वगैरह होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि लिफ्ट बहुत ही पैक्ड होती है, वहां पर थोड़ा बड़ेगन से एयर का और वो सारी चीजों का कमी होने की वजह से सम पीपल एक्सपीरियंस नौशिया देयर। सो दैट इज नॉट द रीजन आई वाज टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस दैट यू एक्सपीरियंस व्हेन लिफ्ट जस्ट स्टार्ट्स और लिफ्ट जस्ट स्टॉप्स। बीच की बात भी नहीं कर रही हूँ, बीच में आपको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, बीच में आपको एकदम नॉर्मल लगता है। तो ये जो दो फोर्सेस लगते हैं, ये पहला जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तब एक्सपीरियंस होता है और जब लिफ्ट स्टॉप होती है तब एक्सपीरियंस होता है। यहाँ तक आपको समझा मैंने क्या कहा? दो फोर्स इक्वल होते हैं? दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, दैट इज करेक्ट, बट दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है ये नहीं पूछ सकते। ऑपोजिट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो मैंने बोला यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? यस यस यस। ये चीज ध्यान नहीं दिया होगा तो यू विल बी लाइक यू कैन डू दैट अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है तो। हालांकि कोरोना वायरस से जरा बच के जाना, एक्सपीरियंस करना कि जब आप लिफ्ट स्टार्ट करते हो, जब लिफ्ट स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है, आप ये चीज एक्सपीरियंस करते हो कि आपके ऊपर एक हल्का सा कुछ एक एक्स्ट्रा फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द लिफ्ट। केस वन, जब आपका लिफ्ट, जैसे कि मैंने बोला आप सेवंथ फ्लोर की बिल्डिंग में रह रहे हो, यू आर इन द सेवंथ फ्लोर बिल्डिंग, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं अभी एंड पोजिशन पे बात ही नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे लिफ्ट स्टार्ट होगा फिलहाल मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे स्टॉप होगा मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं मिडल की बात कर रही हूँ। ये पार्ट में आपका लिफ्ट ना, यहाँ पर आपको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको ऐसा लगता है बस शांति से खड़े हो। ठीक है, सो ये ड्यूरेशन में यू डोंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मींस यू डोंट एक्सपीरियंस एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इन दिस कंडीशंस ऑफ कोर्स लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि लिफ्ट के अंदर एक पर्सन खड़ा है विथ अ वेइंग मशीन उसके ऊपर। ठीक है, बाकी लिफ्ट के बारे में मेरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं लिफ्ट के रिगार्डिंग आपको कोई आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ फिलहाल। इस पर्सन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज न्यूटन, सॉरी दैट इज नॉर्मल, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज एमजी। बाकी लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की अंदर रहकर बात कर रहे हैं। लिफ्ट के क्या एक्सेलरेशन है वो सबसे मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही है, मेरी बॉडी को कोई झटका नहीं लग रहा है, दैट इज माय पार्ट। ओके, सो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हो तो कौन डोमिनेंट होगा, हु विल बी डोमिनेंट? नॉर्मल। सो नॉर्मल दूसरे को, अगर एक को ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाले को नेगेटिव ले लो, नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी, मतलब अगर आप यहाँ पर वेइंग मशीन लेकर बात करो, अगर आप यहाँ पर वेइंग मशीन लेकर आपकी लिफ्ट जब चल रही है और जहां पर आपकी बॉडी पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, मतलब आपकी बॉडी, आपका जो लिफ्ट है वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, आई कैन से इट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, सो आपकी बॉडी कोई एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं करती है बिकॉज आपका लिफ्ट ही कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। ओके, सो एट दिस पॉइंट जब आपका लिफ्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता है
जब आपका लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ऑफकोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो. सो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी जीरो. आपकी बॉडी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही नहीं है. नॉर्मल माइनस एम जी. मैंने नॉर्मल को क्यों डोमिनेंट लिया, क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि फिलहाल मेरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है. सो नॉर्मल विल बी डोमिनेंट और एन को मैंने पॉजिटिव ले लिया. एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो. सो एन इज इक्वल टू एम जी. मतलब अगर आपका लिफ्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा होता है या अगर आपके लिफ्ट में एक्सेलरेशन नहीं है किसी भी रीजन से, सो आप अगर वेइंग मशीन को लेकर आप उस लिफ्ट में खड़े हो और आप उस वेइंग मशीन पे खड़े हो तो आपका वेइंग मशीन आपका नॉर्मल वेट दिखाएगा. जो आपका वेट हो, जो आपका नॉर्मल मास है, वही चीज आपकी वेइंग मशीन दिखाएगी. कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? कुछ समझा मैंने क्या कहा? यस यस. लेट्स टेक द कंडीशन. अब वो पॉइंट ले रही हूँ ये वाला, ठीक है. जब आपकी लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुई है और एक्सेलरेट हो रही है, इज एक्सेलरेटिंग. मतलब ऑफ कोर्स जब आपकी लिफ्ट स्टार्ट होगी तो स्पीड चेंज करेगी. स्पीड चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन होगा. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझा? yes. अब आपको से देखो, जब आपकी लिफ्ट स्टार्ट हो रही है तो ये पर्सन जब एक्सेलरेट होगा तो ये एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी लगने वाला है ना? yes. अब ये एक्सेलरेशन देखो किस तरीके से रिजल्ट करेगा. नॉर्मल ऊपर की तरफ है एम जी. आपको पता है बॉडी उसी एक्सेलरेशन से चलती है जो बचा हुआ होता है. मतलब दोनों से जो बच जाएगा बैलेंस होने के लिए, उसी स्पीड से आपका ये वाला पर्सन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा. है कि नहीं? yes. So, of course, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अभी भी एनी डोमिनेंट होगा. तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इन टू एम. वेर ए इज दैट एक्सेलरेशन विथ विच दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मूविंग अपवर्ड. ठीक है? Yes. 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 So, n will be equal to mg plus ma. मतलब अगर आप अपने वेट अपने वेइंग मशीन में देखोगे तो what do you see? आपका नॉर्मल कैसा लगेगा? आपका नॉर्मल क्या दिख रहा है? बड़ा हुआ दिख रहा है कि कम दिख रहा है? बड़ा हुआ. इसीलिए जब आपकी लिफ्ट जस्ट स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है, आपको ऐसा लगता है आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन. यस. समझ में आया? इवन अगर आप वेइंग मशीन लेकर खड़े हो और उस पे खड़े हो जाओ और लिफ्ट जस्ट आपकी जब स्टार्ट हुई है तो वो आपको जो वेट दिखाएगी, आपको जो नॉर्मल दिखाएगी, वो थोड़ा ज्यादा दिखाएगी. सो दिस इज दिस थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझा? आप थोड़ा सा हैवी फील करते हो. ये इंस्टेंट तभी हो रहा है जब आपकी लिफ्ट जस्ट स्टार्ट होती है, जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन होता है. ये बात हमेशा याद रखनी है. केस थ्री. अब मैं कंडीशन कंसिडर करी, या तो आपकी लिफ्ट स्टॉप होने वाली है या तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं. और नीचे की तरफ आने के बाद जब आपकी लिफ्ट स्टॉप होने वाली है उस कंडीशन की बात करती हूँ. You're coming down. Here you are going up. ठीक है? अब नीचे की तरफ आ रहे हो तो कौन डोमिनेंट होगा? Of course. Mg. So Mg minus N N equals will give you acceleration. Ma. So Mg minus Ma is equals to N. N. Therefore N is equals to. मतलब जब आपकी लिफ्ट स्टॉप होती है या आप नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हो, वो दोनों टाइम पे आप थोड़ा सा हल्का फील करते हो. एंड द रीजन इज, मतलब आपके मास में से कुछ एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सो यू फील क्वाइट लाइक लाइट कि ठीक है, थोड़ा सा एक कम बॉडी का वेट, एक थोड़ा अमाउंट कम हो गया है. सो दिस इज, अगर आप वेइंग मशीन लेकर उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो आपको ऐसा दिखेगा कि वेइंग मशीन आपका वेट कम दिखा रही है. सब पे तीनों केसेस क्लियर हुए हैं? यस यस यस. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ केस फोर वेयर यू आर इन फ्री फॉल. अचानक से जिस लिफ्ट में आप हो, लेट अस कंसीडर उसका केबल ब्रेक हो गया.
और वो लिफ्ट फ्री फॉल में, आपको पता है फ्री फॉल कब बोलते हैं? फ्री फॉल तब बोलते हैं जब किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन बिकम्स, एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी. और ये तभी पॉसिबल है जब आपका लिफ्ट का अचानक से, जो पूरा सिस्टम है उसका अचानक से केबल ब्रेक हो गया. जब केबल ब्रेक हो गया और आप नीचे की तरफ गिरते आ रहे हो तो ऑफ कोर्स mg इज डोमिनेंट. सॉरी ठीक है, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो ऐसा ही सेट या mg इज डोमिनेंट. So mg minus n is equals to ma. अगर आप अपनी वेइंग मशीन में अपना वेट देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो जरा, आपका वेइंग मशीन आपको ये दिखाएगा कि आपका कोई वेट ही नहीं है, यू आर वेटलेस. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस कंडीशन. जब कोई भी सिस्टम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सेलरेट कर रहा होता है वहां पर आप वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हो. सेम हैपेंस इन द स्पेस. स्पेस में जब आपका जो, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सेलरेट कर रहा होता है वहां पर mg माइनस mg होकर नॉर्मल जीरो हो जाता है और जो पर्सन होता है उसके ऊपर कोई नॉर्मल नहीं लगता. नॉर्मल नहीं लगता इस वजह से वो पर्सन स्पेस में उड़ रहा होता है विद द एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक बार आपने इंजन शट ऑफ कर दिया, एक बार आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो आप नीचे की तरफ आते हो और आपके ऊपर एक नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है. तो वो जो आपका एस्ट्रोनॉट स्पेस में उड़ते हुए दिखते हैं ये तब होता है जब आपका स्पेसशिप जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उड़ रहा होता है, मतलब फ्री फॉल में होता है. तो समझे मैंने क्या कहा? समझा मैंने क्या कहा? yes. जब आप अपने एस्ट्रोनॉट को हवा में उड़ता हुआ देखते हो ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो स्पेसशिप है जिसमें आप हो वो एक ब्रेक हुए केबल के लिफ्ट जैसा हो. जैसे लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया था तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया था? व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट? जी, इट वाज इक्वल टू जी. तो जब आपका स्पेसशिप का एक्सेलरेशन जी के बराबर आप होता है, जब आपका स्पेसशिप फ्री फॉल में होता है, मतलब पूरी तरीके से सिर्फ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब जो भी रोटेशन हो रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है. और आपको पता है कि वो सर्कल में कब मूव करेगा? जब उसके ऊपर क्या लगेगा? When it will move in a circle. जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना? तो जब वो सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के अंडर काम करता है, when it works only under the influence of gravity, वो जो मोशन कर रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कर रहा है, तो तब वो फ्री फॉल में होता है. फ्री फॉल में होने की वजह से नॉर्मल जो है वो बैलेंस होकर जीरो हो जाता है और जो पर्सन अंदर होता है वो पर्सन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होता है और उस पर्सन के ऊपर कोई भी नॉर्मल नहीं लगता, मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगता. और जब कॉन्टैक्ट फोर्स है ही नहीं तो आप कॉन्टैक्ट में रहोगे नहीं, इसलिए आप हवा में रहते हो. समझ में आ रहा है? थोड़े से ठीक है. सो दिस व्हाट रिजल्ट्स इनटू द फ्री, दिस व्हाट रिजल्ट्स इनटू द फ्लाइंग एस्ट्रोनॉट्स. जो आप लोग एस्ट्रोनॉट्स को देखते हो कि वो हवा में उड़ रहे होते हैं, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल क्योंकि वहां पर आपका नॉर्मल जीरो हो जाता है. समझ में आया? जैसे ही वो लोग इंजन ऑफ कर देते हैं, इंजन ऑफ करने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं रह जाता, वो पर्सन फटाक से नीचे आ जाते हैं और नॉर्मल फोर्स वहां पर एग्जिस्ट करना चालू कर देता है. अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ तक सबको सब कुछ समझा? यस 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 यस. नेक्स्ट इज, अगर एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप लोगों को लेट्स लीव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब आपको पता है कि मून जो है, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, उसको कंटिन्यूसली अर्थ कि ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, बट फिर भी ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे में गिर क्यों नहीं रही है? Why they are not falling on each other? Like if my acceleration due to gravity की वजह से it is in the circular motion, then why this particular things are not falling due to the attraction? Do you have answer about it? Moon भी खींच रहा है.
खुद का वेलोसिटी है, दोनों इक्वल रहते तो कैंसिल हो जाते। कैंसिल कभी नहीं होता बेटा, कैंसिल तभी होगा, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ तभी एप्लीकेबल है जब वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सिर्फ इतना टर्म नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तभी ये चीज होगी। और यहाँ पे तो अर्थ मून सिस्टम की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग बॉडीज हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल नहीं होता, कैंसिल होगा तो आप उसको सर्कल मोशन में कैसे परफॉर्म करवा पाओगे। सो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं है, कीप इट इन माइंड। कैंसिलेशन वर्ड तभी यूज करना है जब वो सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो। अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो वहां पर फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, कीप इट इन माइंड। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, कि एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है वही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा। सो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी द नेट फोर्स विल बी जीरो। पर अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो वहां पर नेट फोर्स इज नॉट जीरो। एनी अदर रीजन? कोई तो कुछ आंसर करेक्ट बोल रहा है। मून की अपनी वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी से ऑर्बिट के बाहर निकलने का ट्राई करता है, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से वो और अंदर आता है। एग्जैक्टली, समवट द आंसर इज करेक्ट। जब ये एक्सपीरियंस किया गया कि जब प्लैनेट्स वगैरह जब बने फ्रॉम द सन, तो ये चीज रियलाइज की गई कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग अर्थ हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट के पास सर्कल में होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसकी खुद की अपनी कोई वेलोसिटी नहीं होती तो ग्रेविटी पूरी तरीके से डोमिनेट हो जाती, फिर वो सर्कल में नहीं रखती उसको, फिर वो सीधा अपने पास खींच लेती। वो सर्कल में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास अपनी खुद की भी कुछ वेलोसिटी है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइक दिस इज द अर्थ, यू हैव लर्न समथिंग। तो अगर इसके पास के जो बाहर निकलने वाली वेलोसिटी है ये नहीं होती तो सीधा ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेती, फिर ये सर्कल में रहने वाला फंडा रह ही नहीं जाता। वो तो इसके पास एक ऐसी वेलोसिटी है जो इसको बाहर की तरफ ढकेल रही है, इसको ढकेलने के टाइम ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए ये बाहर ना जाकर सर्कल में घूम रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा मैंने क्या कहा? स्टूडेंट्स मतलब आपके मून के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सिर्फ सर्कल में रख रहा है। अगर ये चीज नहीं होती, उसकी खुद की अपनी कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो आपका जो ग्रेविटी है उसको अपने अंदर खींच लेता, आपका जो अर्थ है वो उसको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली ये समझा गया है कि जैसे ही जब ये सारे सिस्टम्स बने, मतलब बिग बैंग थियरी ले लो, जब लेट्स टेक अ बिग बैंग थियरी, प्रूफ जैसा कुछ नहीं है कि बिग बैंग हिज करेक्ट, बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी थियोरीज बिग बैंग की तरफ झुकती है, इसलिए बिग बैंग का एग्जाम्पल ले रही हूँ। बिग बैंग थियोरी ये बोलती है कि ऑफ कोर्स देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑन द सन, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे टुकड़े बनकर बाहर की तरफ गिरे और वो सारे प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे जब वो ठंडा हुआ तो ठंडा जो एक सुटेबल कंडीशन में, जिसको हम हैबिटेबल जोन बोलते हैं, हैबिटेबल जोन वो जोन होता है जिसमें किसी प्लैनेट में लिविंग लाइफ रहने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब वो प्लैनेट एक प्रॉपर कंडीशन में आया तब उस पर ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लेना शुरू किया, ये बिग बैंग थियोरी का कंडीशन है। बट ये भी एक्सपीरियंस किया गया थियोरेटिकली कि जब सन पर एक्सप्लोशन हुआ और सारे प्लैनेट्स बाहर की तरफ आए तो कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होती तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये सारे प्लैनेट्स जो है वो वापस जाकर कोलैब हो जाते। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने की वजह से और अर्थ और सन के सिस्टम के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होने की वजह से ये सारी चीजों ने ऑर्बिट मारना शुरू किया। मैंने क्या कहा? समझा? मतलब अगर कोई चीज सर्कल में मूव हो रही है तो उसके पास उसकी खुद की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि अगर बोलो समवन सेड समथिंग ओके अगर मैंने यही बात बोली थी कि अगर ये किसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका जो भी मून है वो कैसा निकल जाएगा? सीधा सीधा बाहर की तरफ चला जाएगा। समझे? उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है उसके पास उसकी खुद की वेलोसिटी होना, उसकी खुद की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझे? यहाँ तक यू पीपल अंडरस्टूड? कुछ प्रॉब्लम है? सो अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉलिंग, आपका एक आंसर बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, इसके पास इसकी खुद की भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसकी वजह से
ये ऑर्बिट में मूव हो रहा है, हाँ आपका सर्कल में है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? समझा एक फ्री बॉडी सिस्टम बना लेना ऑफ अ लिफ्ट, एंड उसके बाद ये जो मैंने सिस्टम, ये जो मैंने लिख के दिया है वो लिख के ले लो। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर लिफ्ट ना, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ये वेटलेसनेस फील कर रहे हो, वो सच में वेटलेस हो गया है क्या? नो नो नो, वो अपेरेंट वेटलेसनेस है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो सच में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे उसका वेट, मतलब उसका वेट पूरी तरीके से ये हो जाए, ये अपेरेंट वेटलेसनेस है। ये सारी चीजें बैलेंस होने की वजह से हो रही है, मतलब अदरवाइज बॉडी के पास मास तो है ही, दैट इज वेरी ट्रू। पूछा है तो बताना, और कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर करके लेना है, क्योंकि ये काफी जगहों पर यूज होता है। आप लोग लिख रहे हो ना? यस यस। Done, ma'am. और ये दोनों चीजें आप लोग वेइंग मशीन में एक्सपीरियंस करते हो, ये बात देख, ये बात दिमाग में रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, आप ये चीज बॉडी पर फील भी करते हो और वेइंग मशीन में ऑब्जर्व भी करते हो, तो दोनों प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों भी ये चीज एक्सपीरियंस होती है। लिख लिया? यस। ये फ्री फॉल कहाँ पे एक्सपीरियंस हो सकता है? या तो आप ऐसे कहीं से गिर रहे हो, या लिफ्ट का केबल अचानक से ब्रेक हो गया हो, या फिर आप स्पेस में हो और आपका जो स्पेसशिप है वो एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी से
एक्सेलरेट हो रहा है. हो गया? यस मैम. यस ओके. यहाँ तक ऐसा कुछ है आपको जो नहीं समझाओ? सब कुछ क्लियर है? यस यस यस. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. Of course, time period बोल रही हूँ, time period of a satellite. So, define कैसे करोगे? Time required by a satellite to complete one revolution around planet is called time period of a satellite. एक satellite को किसी planet के का एक revolution करने के लिए जो भी time लगता है, that is what is called as time period of a satellite. ठीक है? Now we are considering at height h our satellite. Our satellite is at height h. Okay, so आपको पता है कि वहां पर क्रिटिकल स्पीड होगी तभी तो एक सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होगा. सो द क्रिटिकल स्पीड इफ सम कंसिडर दिस इज द ऑर्बिट of the satellite. ठीक है, this is a satellite. इसके ऊपर एक critical speed लग रहा है and that critical speed, you know, your speed is distance covered upon time. So यहाँ पर क्या distance covered करेगा वो? What will be the distance covered? 2 pi r. So it will be 2 pi r by t. ठीक है? So your satellite is moving in a circular orbit of radius r, where your r is actually, अभी हमने पीछे देखा था r plus h. What is r? R plus h. So आपका vc, हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था vc का. vc was under root of gm upon r. Yes. इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं. This is equation number one. This is equation number two. Substitute equation number 2 into equation number 1. So this becomes under root of gm upon r is equals to 2 pi r by t. So let's take a square root. Let's take a square. This becomes gm upon r is equals to 4 pi square r square by t square. T ko yahan pe leke jao. Baki sari cheeze yahan le aao. T square is equals to 4 pi square r square into r upon gm. So if you take a square root, first of all it becomes 4 pi square r cube upon gm. Let's take a square root again. Taking square root, t is equals to under root of, ye 4 pi bahar aa jayega, 4 ka root is 2 and pi square becomes pi. This is r cube
अपॉन जी एम. सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच द होल क्यूब. सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू मूव इन अ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. मैम वो आर प्लस एच होल क्यूब आएगा ना? हाँ इट विल बी होल क्यूब. ठीक है, डेरिवेशन क्लियर है सबको? यस यस यस. सो ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे प्रोजेक्शन का कि नहीं मुझे और ऊपर रखना है, मुझे और ऊपर रखना है, मुझे और ऊपर रखना है, तो आपका टाइम पीरियड भी उतना बढ़ता जाएगा. समझना है? एंड एज यू कैन सी टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, क्या दिख रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ सैटेलाइट. मतलब कितना भी बड़ा सैटेलाइट होने दो, आपको जिस भी डिस्टेंस पे उसको रखना है वो उस डिस्टेंस उसका टाइम पीरियड डिफाइन करेगा, आपका मास डिफाइन नहीं करेगा. होप यू अंडरस्टैंड. यस यस. ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं इस फॉर्मूला को, सो व्हाट विल बिकम, हम लोग जी के टर्म में इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. सो यू नो जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन R plus H the whole square. So G into R plus H the whole square is equals to Gm. अभी हमने देखा T is equals to 2 pi under root of R plus H the whole cube upon Gm. क्या कर सकते हो? Simplify कर सकते हैं इसको. जगह substitute. Yes. R plus H whole square. इसकी जगह पे ये substitute करते हैं. So G is equals to 2 pi under root of R plus H the whole cube G into G R plus, R plus H the whole square. It's got cancelled. Your T is equals to 2 pi R plus H by G R plus H upon G. ठीक है, so R अगर बहुत ज्यादा बड़ा, अगर H बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो you can say that कि अगर H बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो H को ignore करके R by G ले सकते हैं. If H is not too big, या फिर ऐसा बोल सकते हो R plus H is approximately equal to R, मतलब बहुत ज्यादा height पे बात नहीं कर रही हूँ. So T is equals to 2 pi under root of R by this special case. ठीक है, समझे? हर जगह ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, मोस्टली आपको हाइट देगा. सो यू कैन राइट इफ यू हैव, व्हाइल राइटिंग इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क. फटाफट लिख के ले लो. हो जाए तो बोलना. Done. Yes. No. अभी तक नहीं हुआ? No, ma'am. One minute. हाँ.
डन मैम डन डन मैम Done, डन मैम डन सबका हो गया यस 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 ओके सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल